मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं कक्षा आठ के पार्ट दो की विषय विज्ञान। सबसे पहले बात आती है सूक्ष्म जीव रहते कहाँ हैं। सूक्ष्म जीव हमें हर स्थान पर पाए जाते हैं, चाहे वो कितना भी ठंडा हो, चाहे वो कितना भी गर्म हो। इट मीन्स चाहे वहां पे बर्फ पड़ती हो, चाहे वहां पे कितनी भी गर्मी होती हो, उन स्थानों पे भी सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। बात करते हैं सूक्ष्म जीव दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मित्रवत सूक्ष्म जीव और दूसरा होता है शत्रु। मित्रवत ऐसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य के लिए लाभदायक होते हैं उन्हें मित्रवत कहते हैं। जैसे लैक्टोबैसिलस एक जीवाणु होता है, वो दूध को दही में बदल देता है, ठीक है। हमने देखा है हमारी माता जी दूध को दही में कैसे बदलती है, ठीक है। परंतु माता जी चेंज नहीं करती, वो क्या करता है, एक लैक्टोबैसिलस जीवाणु उपस्थित होता है, वो बदल देता है दूध को दही में। शत्रु सूक्ष्म जीव ऐसे सूक्ष्म जीव जो मनुष्य के लिए हानिकारक होते हैं उन्हें शत्रु सूक्ष्म जीव कहते हैं। जैसे प्रोटोजोआ वह जीवाणु, अगर बात करें कोई एक जीवाणु है और एक बेटा हमारे पास प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ की वजह से मलेरिया रोग होता है और जीवाणु की वजह से टीबी रोग भी होता है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, सूक्ष्म जीव मनुष्य प्रजाति के लिए उपयोगी भी है वह हानिकारक भी है, क्योंकि सूक्ष्म जीवों से हमारे काफी कार्य भी होते हैं, वह सूक्ष्म जीवों से मनुष्य बीमार भी होते हैं या मनुष्यों को काफी रोग भी हो जाते हैं। ओके, ठीक है, धन्यवाद बेटा, आज के लिए इतना काफी।